हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। क्लास है हमारी 10। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इससे पहले हमारी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वो हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। इसमें से हमें साइड्स गिवन है, इसने ये पूछा कि इन साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है या नहीं। अगर बन रही है देन उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी, हाइपोटेन्यूज की। देन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखेंगे। अगर यहाँ पे तीनों साइड्स पे अप्लाई हो रही है, मींस एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, देन वी कैन से दैट दीज साइड्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। और वहाँ से हम जो बड़ी साइड्स होगी उसको हम क्या कह देंगे, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम इनका स्क्वायर करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नाउ 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 6 टू 5 की। नाउ 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 प्लस में 24 का स्क्वायर, 49 प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576। और इनका सम करेंगे तो ये आ गया हमारा 6 टू 5, यानी कि 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई कि इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल है, देन दीज साइड्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दीज साइड्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा स्टूडेंट, 24। इसमें बड़ी जो साइड्स है वो कौन सी, हमारी 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 है विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। नाउ इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देन इनका स्क्वायर करके देखते हैं हम, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। देन 64 किसके इक्वल आना चाहिए, 9 प्लस में 36, बट ये तो किसके इक्वल है, 45। देन 64 इज नॉट इक्वल टू 45, देन दीज साइड्स डू नॉट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन साइड से क्या नहीं बन रही, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, दीज साइड्स डू नॉट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्क्वायर करते हैं हम, 100 का स्क्वायर क्या हो गया, बड़ी साइड 100 है, ये हो गया। नाउ 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400। नाउ इनको ऐड करेंगे हम, 50 स्क्वायर प्लस में 80 स्क्वायर कितना आ गया, ये 2500 प्लस में 6400 मींस ये कितना आ गया यहाँ से, 8900 डज नॉट इक्वल टू 10,000, ये इसके इक्वल नहीं है। देन ये भी जो साइड्स दे रखे हैं वो डू नॉट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन वी नो दैट 13 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 169 एंड 12 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 144 प्लस में 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, 13 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 12 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, 144 प्लस में 25 मींस 169 एंड 13 स्क्वायर इज आल्सो 169। सो दीज साइड्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो साइड्स गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट में, ये जो साइड्स गिवन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगी विद हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 13 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट यही बताना था कि इनमें से जो साइड्स दे रखे हैं वो कौन सी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, देन उसका हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना था। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट
PM परपेंडिकुलर QR है, सो करना है हमें PM square इक्वल टू QM इंटू में MR, यानी कि एक ट्रेंगल गिवन है स्टूडेंट हमें PQR, जो किसके ऊपर राइट एंगल है, P पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं ट्रेंगल ले रही हूँ जो राइट एंगल है किसके ऊपर, P के ऊपर QR। फिर इसने कह रखा है कि PM परपेंडिकुलर ऑन QR, PM यहाँ से परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QR के। M यहाँ पे इससे QR साइड्स पे एक पॉइंट है जो PM है परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। वी हैव टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल टू QM इनटू में MR। हमने जो थ्योरम 6.7 पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो थ्योरम क्या कहती थी, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे टू द हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन ट्रेंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ट्रेंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा PM, PM के दोनों तरफ जो ट्रेंगल बन रही हैं वो दोनों ट्रेंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, एंड दोनों ट्रेंगल्स आपस में भी सिमिलर और पूरी जो होल ट्रेंगल है हमारी QPR उसके भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो यही हमें रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है, देन टू ट्रेंगल्स वहाँ से सिमिलर हो जाएंगी, उनका साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एंगल P यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, एंगल P इज 90 डिग्री, PM परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, QR के ऊपर है। नाउ रिजल्ट लिखते हैं, वी नो दैट इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, फ्रॉम ए राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द होल ट्रायंगल, एंड आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, होल ट्रायंगल्स, इसका ये मतलब है कि हमने कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किससे, राइट एंगल से पी से, किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन ट्रायंगल्स के जो परपेंडिकुलर है उसके दोनों तरफ टू ट्रायंगल्स हमारी जो बन रही हैं, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, एंड वो होल ट्रायंगल के भी क्या होंगी, सिमिलर। ये थ्योरम हमारी कहती है 6.7। तो यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर, देन ट्रायंगल PMQ किसके सिमिलर है, RMP के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RMP बाई अबव रिजल्ट, इस रिजल्ट के द्वारा हम इसको कह सकते हैं। नाउ टू ट्रेंगल्स हमारी सिमिलर हो गई, देन वी नो दैट व्हेन ट्रेंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स सेम प्रोपोर्शंस में, जो इसकी साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ द साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, वो किस में होगा, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा, देन यहाँ से PM अपॉन में क्या आ जाएगा, PM अपॉन में RM किसके इक्वल आ गया, यहाँ से MQ अपॉन में MP। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, हमें PM और PM की मल्टीप्लाई करेंगे तो PM इंटू में PM किसके इक्वल आ गया, RM इंटू में MQ। नाउ PM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, RM इंटू में MQ, यही तो हमें प्रूव करना था, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू में RM, तो यही हमें प्रूव करना था। सिंपली हमने इस रिजल्ट का यूज किया है, देन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है, देन PM बाई RM किसके इक्वल आ गया, MQ बाई MP, देन क्रॉस मल्टीप्लाई PM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, यहाँ से QM इंटू में RM, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इन फिगर ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A, किसके ऊपर राइट एंगल है, ये A के ऊपर, AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, सो करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इनटू BD, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इनटू DC, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इनटू में
सी डी, यानी कि जो साइड्स का रेशियो है यहाँ से वो हमें इक्वल दिखाना है। इसको लिख सकते हैं ना ए बी इंटू में ए बी, ए बी को मैं इधर लेके आ सकती हूँ, बी सी को इधर, ए बी बाई बी सी इक्वल टू बी डी बाई ए बी, यानी कि साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हमें इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टू ट्रायंगल्स वहां से सिमिलर होंगी हमारी, क्योंकि ये राइट एंगल है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देन इसके दोनों तरफ वही थ्योरम यूज करनी है 6.7, तो इसके दोनों तरफ ये जो ट्रायंगल बन रही है वो आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, आपस में भी सिमिलर होंगी, एंड होल ट्रायंगल बी डी ए के भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहां से फर्स्ट पार्ट के लिए हम करते हैं, जो ट्रायंगल है हमारी ट्रायंगल बी ए सी किसके सिमिलर आ जाएगी, ट्रायंगल बी डी ए की। ये जो ट्रायंगल है ये होल ट्रायंगल के भी क्या होगी, सिमिलर, बाय यूजिंग थ्योरम 6.7। जो रिजल्ट हमने पहले वाली थ्योरम में लिखा था वो रिजल्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, देन वी कैन से दैट साइड्स का रेशियो ए बी अपोन में ए डी, बी ए अपोन में बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी अपोन में बी ए, बी सी अपोन में बी ए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हमें ये जो साइड्स जो ट्रायंगल दी है सिमिलर, ये नेमिंग इसी तरह से करनी है कि जो ये हमारी साइड्स है ए बी स्क्वायर बन जाए, किसके इक्वल आ जाए, ये बी सी इंटू में बी डी। तो यहाँ से हमने बी ए सी ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखा दी, बी डी ए के, यानी कि एक ये ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर होगी बाई थ्योरम 6.7। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है वो भी होल ट्रायंगल के क्या होंगी, सिमिलर, और आपस में भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू में बी डी, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू में बी डी। यही तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू में बी डी। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है हमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू में डी सी। नाउ ऐसी कौन सी टू ट्रायंगल्स हैं वो यहाँ पे सिमिलर है जिनकी साइड्स हमारी ये बन रही हैं, तो कौन सी ट्रायंगल होंगी, एक तो हमारी ट्रायंगल सेम एज इट इज बी ए सी, सेकेंड पार्ट के लिए ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, कौन सी होगी, बी डी सी, बी सॉरी जो ट्रायंगल है हमारी बी बी ए सी, बी ए सी ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, बी डी ए, कंप्लीट जो ट्रायंगल है हमारी बी डी ए, या उसकी नेमिंग दे सकते हैं हम बी ए डी, सॉरी यहाँ पे हमें साइड कौन सी चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से जो बी सी है वो किसके सिमिलर आएगी, ए डी सी की, बी ए सी ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, ए सी डी की, ठीक है, सॉरी ए डी सी के, नेमिंग उल्टा कर दिया मैंने, ए डी सी के, ये नेमिंग हमें इसी तरह से देखना है स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, बी सी इंटू डी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ, ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारी सिमिलर है देन साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा, यहाँ से मैं ए सी ले रही हूँ तो यहाँ भी क्या लिया जाएगा, डी सी, ठीक है, डी सी चाहिए एक तो हमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी सी रखा है। यहाँ से बी सी किसके इक्वल आ गया, अपोन में ए सी, क्योंकि ए सी का हमें स्क्वायर चाहिए, देन ए सी और ये साइड हमने इस तरह से ली है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू में डी सी। यही तो हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू में डी सी। नाउ थर्ड पार्ट में ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू में सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से ऐसे कौन सी टू ट्रायंगल्स होंगी जो हम सिमिलर दिखा के उनके साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में दिखा देंगे। तो यहाँ से कौन कौन से ट्रायंगल हो जाएंगी, ये हमारी ट्रायंगल बी, फर्स्ट में कौन सी ली थी हमने, बी ए सी और बी डी ए, नाउ बी ए डी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी किसके, ए सी डी के, ए सी डी के थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि हमें इसमें ए डी का स्क्वायर चाहिए, तो ए डी अपोन में क्या करेंगे, सी डी, बी डी अपोन में क्या करेंगे, यहाँ से ए डी, देन ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी डी इंटू में बी डी। यही तो हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हम ट्रायंगल्स सिमिलर दिखा रहे हैं उनका नेमिंग इस तरह से करना है कि हमारी जो साइड्स का रेशियो
इसमें आ जाए जो हमें प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे एडी चाहिए, एडी अपॉन में सीडी, नेक्स्ट में बीडी अपॉन में एडी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे देन एडी स्क्वायर बन गया, हमें एडी स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, एडी स्क्वायर इक्वल टू बीडी इनटू में सीडी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की तो क्लियर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार मिस्टेक हो जाती है, देन नेमिंग हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी इंटू में ए बी इक्वल टू बी सी इंटू में बी डी। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया था यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी को मैं इधर ले आई, बी सी अपॉन में ए बी। अब ये रेशियो हमारा इक्वल है, देन यहाँ से हम देख सकते हैं ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स है। जैसे हम रेशियो में कैसे लेते हैं, जैसे बी ए सी लिखा मैंने बी डी ए के सिमिलर, तो पहले मैंने ए बी लिखा तो इसका भी पहला टू वर्ड्स बी डी, ऐसे ही फिर मैंने बी सी लिखा तो इसका वर्ड बी ए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बी सी इंटू बी डी। सिमिलरली ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बी सी इंटू डी सी, एंड ए डी स्क्वेयर इक्वल टू सी डी इंटू में बी डी। यही हमें प्रूव करना था, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल डेट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। आइसोसेलेस गिवन है तो मीन्स टू साइड्स उसकी इक्वल है, एंड राइट एंगल डेट सी, देन ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल ए सी बी, सी पे राइट एंगल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस है तो इसकी टू साइड्स हम इक्वल लेके चलते हैं कि ए सी किसके इक्वल है बी सी के, तो यहां से गिवन में लिखेंगे हम एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, और ए सी किसके इक्वल है बी सी के। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। नाउ प्रूफ करते हैं, प्रूफ सी पे राइट एंगल है मीन्स ए सी बी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ ए सी किसके इक्वल है बी सी के, तो यहां पे लिखेंगे बट ए सी इक्वल टू बी सी, तो पुट करेंगे इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन में ये ए सी की जगह पे बी सी पुट करेंगे, ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया ए सी स्क्वेयर प्लस में बी सी की जगह पे भी हम ए सी रख देंगे क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ ए सी चाहिए। नाउ ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर, हैंस प्रूव। बहुत ईजी था स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसमें। आइसोसेलेस की टू साइड्स इक्वल होती है, सी पे राइट एंगल है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए सी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। अब ए सी की जगह पे बी सी रख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में रखने के बाद ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, मीन्स ए बी स्क्वेयर आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। नेक्स्ट है वो भी सेम एज इट इज है, बस इसी का रेसिप्रोकल है, मीन्स थोड़ा सा इसी का उल्टा है, उसमें हमें ये चीज गिवन है जो इसमें हमने प्रूव की है। देखते हैं फिफ्थ, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इक्वल टू बी सी। आइसोसेलेस में ए सी किसके इक्वल है बी सी के, इफ ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। प्रूव करना है ए बी सी इज एन राइट एंगल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें राइट एंगल गिवन था, देन वी हैव टू प्रूव ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है और प्रूव क्या करना है, ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स एक एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। तो यहां से मैं ये रिजल्ट लेके चल रही हूँ, ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर। इसको लिख दिया मैंने ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर, बट ए सी किसके इक्वल है बी सी के, टू साइड्स हमारी इक्वल है, तो यहां से हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में ए सी की जगह पे बी सी। ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बी सी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर, तो ये कंडीशन किसकी होती है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज 90 डिग्री, मीन्स ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी लगा लो या एंगल सी, सी इज 90, हमने उसमें पहले वाली ये ट्रायंगल ली थी ए सी बी, यानी कि ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर है, मीन्स ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, तो ये लिख दिया हमने ए बी स्क्वेयर बन गया यहाँ पे ए सी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर, सो एंगल सी इज 90 डिग्री बाई कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। इसके कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि जो एंगल सी होगा वो 90 का होगा, हैंस ट्रेंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रेंगल। ये क्या होगी हमारी, ये कि राइट एंगल ट्रेंगल होगी, हमने एंगल 90 का प्रूव कर दिया। सिंपली क्या किया है, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वेयर को लिख दिया, ए सी स्क्वेयर प्लस में ए सी स्क्वेयर, बट ए सी किसके इक्वल है, बी सी के गिवन, पुट किया। देन ये कंडीशन किसकी होती है राइट एंगल ट्रेंगल में, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल सी इज 90 डिग्री, हेंस ट्रेंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रेंगल। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रेंगल हमें गिवन है, मीन्स थ्री साइड्स आर इक्वल। ए बी सी मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रेंगल ले ली, ए बी सी ये इसका एल्टीट्यूड ले लिया मैंने डी पॉइंट, इसकी साइड्स क्या है 2A है, ये हर साइड्स इसकी हमारी 2A है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी होगा, ये कंप्लीट साइड 2A है, देन ये साइड भी A हो गई, ये भी क्या हो गई A, यानी कि बी डी क्या हो गया हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो ए डी है परपेंडिकुलर है किसके किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, इन ट्रैंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2A। नाउ बी डी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ बी सी, यानी कि हाफ ऑफ 2A मीन्स ये साइड कितनी आ गई हमारी, A आ गई। इन ट्रेंगल ए डी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि एक राइट एंगल ट्रेंगल है। नाउ इन ट्रेंगल ए डी बी, ए बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर, ठीक है। हमारे पास ए बी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है, इजिली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए डी की। देन ए डी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर माइनस में बी डी स्क्वेयर। ए बी मीन्स 2A का होल स्क्वेयर, बी डी मीन्स यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है इसकी ए स्क्वेयर, 4A स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर मीन्स 3A स्क्वेयर। तो यहाँ से ए डी स्क्वेयर है, हमें तो ए डी की वैल्यू चाहिए, तो रूट 3A, ये इधर जाके रूट बन गया, ए स्क्वेयर में रूट लगाएंगे तो इससे बाहर आएगा तो A रह गया। सो वैल्यू ऑफ ए डी इज रूट 3A, मीन्स एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, रूट 3A। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें इसके ऊपर, तब ये साइड हाफ हाफ हो जाएगी, ए हो जाएगी, वहां से भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी एल्टीट्यूड की, रूट 3A। तो यहाँ से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी और हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इजिली हमने क्या किया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देन इसको बाइसेक्ट करेगा बी डी इक्वल टू डी सी, ये कंप्लीट साइड 2A है, देन ये भी A हो गई, ये भी A हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। नाउ इजीली हमने AD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई हमारी, रूट 3A। सो एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट 3A। नाउ नेक्स्ट करते हैं सेवंथ, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल। हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस गिवन है, उसकी सभी साइड्स का जो स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी क्या ले लिया, रोम्बस, इसके डायगनल ले लिए ए सी एंड बी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ के ऊपर। तो रोम्बस है तो वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए ओ बी ट्रेंगल में ओ ए स्क्वेयर प्लस में ओ बी स्क्वेयर। बट वी नो दैट ओ ए इज द हाफ ऑफ ए सी, किसका हाफ है, क्योंकि इसके डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो मीन्स ओ ए को हम लिख सकते हैं, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, डायगनल्स के स्क्वेयर के इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे टू प्रू में, इससे पहले हम टू प्रू लिखते हैं स्टूडेंट, उसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें प्रूव करना है, ये तो हमारा गिवन हो गया। टू प्रू में लिखेंगे हम,
फोर साइड्स का स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल मींस ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। प्रूफ में लेते हैं इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, बट वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, सो ओ ए को क्या लिख देंगे हम, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि हमें यहाँ पे ए सी स्क्वायर चाहिए इसलिए हम इसको हाफ ऑफ ए सी लिख रहे हैं। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए को लिख दिया हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस में, सिमिलरली ओ बी किसका हाफ है, बी डी का, हाफ ऑफ बी डी का होल स्क्वायर। सोल्व कर देंगे ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन फोर ए सी स्क्वायर, वन अपॉन फोर बी डी स्क्वायर, फोर एलसीएम लिया फोर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन में फोर, देन फोर की मल्टीप्लाई इधर कर दी, फोर ए बी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, तो इसको फोर टाइम्स लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, बट वी नो दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन हमें क्या चाहिए, ए बी बी सी सी डी ए डी चाहिए, देन इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, बी सी इसकी जगह पे, सी डी इसकी जगह पे, ए डी, देन हैंस प्रूव। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस थी, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हमें प्रूव क्या करना था, इसकी चारों साइड्स के सम का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, इसके जो टू डायगोनल्स हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए ओ बी ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल लेके चले, ओ ए स्क्वायर है प्लस में ओ बी स्क्वायर है, ओ ए को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, ओ बी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी डी, यहाँ से एलसीएम लिया फोर को इधर मल्टीप्लाई किया, फोर ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फोर ए बी स्क्वायर को हमने फोर टाइम्स लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बट ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इनकी जगह पे हम ये रख सकते हैं बी सी सी डी एंड ए डी। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं एट्थ, इन गिवन फिगर ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, सो दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। यहाँ से हमें ए बी सी ए ट्रायंगल गिवन है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, देन यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, नाउ ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर चाहिए, फर्स्ट के राइट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर है, देन ए एफ स्क्वायर कौन से ट्रायंगल की साइड है, ए ओ एफ की, देन इन ट्रायंगल ए ओ एफ ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन ट्रायंगल ए ओ एफ, इसमें ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एफ स्क्वायर प्लस में ओ एफ स्क्वायर। नाउ किसकी वैल्यू चाहिए, ए एफ की, तो ए एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, बी डी, तो बी डी कौन सी ट्रायंगल की साइड है, यहाँ से बी डी ये है, इन ट्रायंगल ओ बी डी में, देन ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर, ठीक है, और क्योंकि हमें ओ बी और ओ डी चाहिए इन ट्रायंगल बी ओ डी में,
ओ बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर, ठीक है। ओ बी स्क्वेयर माइनस में हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे, बी डी चाहिए। ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर इक्वल टू बी डी स्क्वेयर, इट इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ थर्ड में हमें क्या चाहिए, सी। नाउ सी कौन सी ट्रायंगल की साइड है, इट इज इक्वेशन सेकेंड, सी ई इन ट्रायंगल सी ओ ई, क्योंकि ओ सी और ओ ई चाहिए हमें। नाउ इन ट्रायंगल सी ओ ई, इन ट्रायंगल सी ओ ई, इसमें ओ सी का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ओ ई स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। नाउ सी चाहिए हमें, सी का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर। अब तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को हमें क्या करना है, एड ए एफ प्लस में बी डी प्लस में सी, ए एफ प्लस में बी डी प्लस में सी। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जो बी डी स्क्वेयर है वो इसके इक्वल है, ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर, ठीक है। नाउ तीनों जो है हमारी तीनों इक्वेशन है उनको ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमें ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी प्लस में सी चाहिए, ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। अब ए एफ की वैल्यू यहां से कितनी है हमारी, ओ ए स्क्वेयर माइनस में ओ एफ स्क्वेयर, प्लस में बी डी की क्या है, ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर, सी की क्या है, ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर। यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था ना कि ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ओ ए माइनस में ओ ए स्क्वेयर प्लस में ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमने ज्वाइन कर लिया ओ ए ओ बी एंड ओ सी को। अब ये देखना है यहाँ पे ए एफ जी, ए एफ कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ए ओ एफ की। इन ट्रायंगल ए ओ एफ ओ ए स्क्वेयर इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस एफ ओ स्क्वेयर या ओ एफ स्क्वेयर, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, ए एफ की, ए एफ की हमने फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली हमें यहाँ पे बी डी चाहिए, बी डी बी ओ डी ट्रायंगल की साइड है, बी डी स्क्वेयर निकाल लिया। सिमिलरली सी चाहिए, सी ओ ई ट्रायंगल की साइड है, सी निकाल लिया। नाउ तीनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, देन हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का यूज करके हम सेकेंड पार्ट इसके अंदर प्रूव करेंगे। ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में सी डी स्क्वेयर प्लस में बी एफ स्क्वेयर, ये हमें प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है ये चीज किसके इक्वल है, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो इसको एज इट इज रखते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए। ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर था ये, प्लस में ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ ओ डी स्क्वेयर प्लस में ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर किसके इक्वल था, ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर बाई फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट से। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, हमें यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज चाहिए लेकिन इसकी जगह पे ये चीज़ चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस सी डी प्लस बी एफ स्क्वेयर। अब ए साइड ऐसी, इनमें से कौन सी टू साइड से जिनसे मिलके ए साइड बनी हुई है, देन कौन कौन सी है, ओ ए एंड ओ ई, ओ ए एंड ओ ई साइड, ये तो इसको हम लिख सक देंगे ओ ए का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ओ ई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, तो इसकी जगह पे हम ए स्क्वेयर इजिली लिख सकते हैं। ओ ए स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस में ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस में ओ सी स्क्वेयर माइनस में क्या रह गया, ओ ई स्क्वेयर को एक साथ, और ये किसके इक्वल है यहाँ से, ए एफ स्क्वेयर प्लस में बी डी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं ओ ए, ओ ए का स्क्वेयर माइनस में ओ ई स्क्वेयर, हमें पता है ओ ए का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस में ई ओ स्क्वेयर, तो यहाँ से ओ ई, ये ओ ए, ओ ए का स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं ये ए स्क्वेयर के इक्वल आ गया। ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर माइनस में ओ एफ स्क्वेयर, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं बी एफ स्क्वेयर, प्लस में ओ सी माइनस में ओ ई, ओ सी का स्क्वेयर माइनस ओ ई का स्क्वेयर, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम सी का स्क्वेयर इक्वल टू ए एफ स्क्वेयर प्लस में
बी डी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, यही तो हमें प्रूव करना था ना। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ए स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस में बी एफ, सॉरी सी डी। हमने कौन सी ट्रायंगल ले ली यहाँ पे, क्या चाहिए, ओ बी एंड ओ एफ, देन ये बी एफ के ही तो इक्वल आएगा। अब ए स्क्वेयर एच डी चाहिए, सी डी चाहिए हमें, और यहाँ पे हमारी कौन सी आ गई थी साइड, सी ई। नाउ ओ सी स्क्वेयर माइनस में ओ डी स्क्वेयर होगा मे बी। हमने ओ ए ओ ई का कॉम्बिनेशन बनाया था, ए का तो आ लिया था ना, तो यहाँ पे डी होगा, ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर। देखो ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, देन साइड क्या बन गई, सी डी स्क्वेयर। हमें सी डी स्क्वेयर ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ई तो हमने यहाँ पे ले लिया था इसके साथ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखना है कि किसका किसके साथ बन रहा है, तब हमारी ये साइड बन रही है। तो यहाँ से अगर हम ओ ए और ओ ई का ले रहे हैं, देन ये किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वेयर। ओ बी ओ एफ का ले रहे हैं, देन ये बी एफ स्क्वेयर। ओ सी माइनस ओ डी का ले रहे हैं, देन सी डी स्क्वेयर। तो सिंपली हमने क्या किया स्टूडेंट, जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है, ओ ए ओ ई का कॉम्बिनेशन, ओ बी ओ एफ का एंड ओ सी ओ डी का, देन ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर, और ये था किसके इक्वल पहले, ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। हैंस प्रूव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं नाइन्थ, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। हमारे पास एक लैडर है, ये लैडर लेंथ ऑफ द लैडर है ये ए बी सी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 10 मीटर, फ्रॉम ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, इसकी जो लेंथ है ए बी की वो कितनी है, ए बी इक्वल टू 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल है, यहाँ से हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द सॉरी डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये डिस्टेंस बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इजिली इसको फाइंड आउट कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज द लैडर ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी 10 मीटर, एंड ए बी इक्वल टू 8 मीटर। नाउ ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बी सी, बी सी हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर माइनस में ए बी स्क्वेयर। ए सी की लेंथ कितनी है 10 का स्क्वेयर, ए बी की कितनी है 8 का स्क्वेयर, 100 माइनस में 64, ये कितना आ गया यहाँ से 6, 36। बी सी स्क्वेयर इक्वल टू 36, सो वैल्यू ऑफ बी सी इज 6 मीटर, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव में डिस्टेंस होती नहीं, प्लस माइनस आएगा देन हम क्या लेंगे इसको प्लस। सो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, लास्ट में क्या लिख देंगे हम, हैंस डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। सिंपली हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी डिस्टेंस वॉल से फाइंड आउट की है, दैट इज 6 मीटर। नाउ नेक्स्ट करते हैं टेंथ, गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोट, यानी कि जैसे खिंची हुई होती है ना उस तरह से हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हाइट कितनी गिवन है हमें 18 मीटर, और ये जो लेंथ है इसकी वायर की ये कितनी गिवन है 24 मीटर, ए बी सी ये हाइट है ग्राउंड से 18 मीटर, ये हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोट। ठीक है, ये बी सी लेंथ हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सेम एज इट इज हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। बी सी स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है बी सी लेंथ, देन बी सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वेयर माइनस में ए बी स्क्वेयर। ए सी की डिस्टेंस क्या है 24, इसका होल स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर मीन्स 18 का स्क्वेयर। वी नो दैट 24 स्क्वेयर इज 576, 18 स्क्वेयर मीन्स 324, ये बी सी स्क्वेयर आ गया, बी सी स्क्वेयर इक्वल टू 252।
अब हमें ये नहीं पता 252 किसका स्केयर रूट होता है, ये कंप्लीट स्केयर तो बनता नहीं 252, ठीक है। देन बीसी स्केयर को लिख सकते हैं हम, क्या आ गया ये बीसी इक्वल टू रूट के अंदर 252, बीसी इक्वल टू ये होगा 36 × 7, ठीक है 36 × 7। अब 30 इसके फैक्टर कर लिए हमने, क्योंकि 36 कंप्लीट स्केयर बन रहा है तो इसके जो 6 है वो बाहर आ जाएगा, तो BC इक्वल टू 6√7 मीटर क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। BC की कितनी आ गई लेंथ यहाँ से 6√7 मीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बन रहा था, देन हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो एक फैक्टर ऐसा कर लिया जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, मीन्स 36 × 7। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको 10th क्वेश्चन तक ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।